देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय यादव। कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का आज 29वां दिन है। 29वें दिन पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा की। गौरतलब है कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई थी। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर पदयात्रा में शामिल होने वाले नेताओं को बधाई दी थी और भावुक संदेश भी दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे भी यात्रा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ चलती दिखाई दे रही है। उनके आगे पीछे सुरक्षा का जबरदस्त घेरा भी नजर आ रहा है। वहीं इस वीडियो को शेयर कर कांग्रेस ने लिखा, जो प्रण लिया है पीछे नहीं हटेंगे, लाख मुश्किल आए हम भारत जोड़ेंगे। इस यात्रा के दौरान मांडिया में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भाजपा निर्मित महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश को तोड़ने का जो काम चल रहा है उसके खिलाफ सोनिया गांधी आज खुद जंग का ऐलान करेगी। राहुल गांधी इस देश के गरीब नौजवानों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा बीते 7 सितंबर को शुरू हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने श्री पेर बंदूर में अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा था, मैंने अपने पिता को नफरत और बंटवारे की राजनीति में खोया है, मैं अपने प्यारे देश को भी इसमें नहीं खोऊंगा। कांग्रेस के मुताबिक 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसमें 118 कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल है। वहीं इसमें अलग अलग राज्यों के 100 नेता इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में प्रवेश करने के साथ यह यात्रा एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गई है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यह पहली बार है जब यात्रा भाजपा शासित राज्य से गुजर रही है। इसके पहले तमिलनाडु और केरल से होकर यह यात्रा निकली थी जहां भाजपा सरकार नहीं है। भाजपा शासित प्रदेश में यात्रा के दौरान सोनिया गांधी का इसमें शामिल होना भाजपा को सीधी चुनौती देना माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस एकजुटता का संदेश देना चाहती है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ में पदयात्रा करना यह संदेश है कि गांधी परिवार अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है।